देखा गर्ल्स कितने वाटरप्रूफ पैनकेक हैं, समर सीजन में यूज़ करने वाले पैनकेक हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिले तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और साथ वाली बेल को प्रेस कीजिएगा, इससे जो भी मेरी न्यू वीडियो होगी वो सबसे पहले पहुँचेगी आप तक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वायरल पैनकेक के बारे में, और आज मैं आपको बताऊंगी इनके यूज़ और कौन सा पैनकेक जो है बेस्ट रहता है समर सीजन में, और कौन सा हम ब्राइडल में यूज़ कर सकते हैं हैवी कवरेज के लिए, और कौन सा जो है लाइट कवरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल तक देखना है क्योंकि मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को बताने वाली हूँ कि किसके रिजल्ट अच्छे होते हैं और किसके रिजल्ट जो है हमें अच्छे नहीं मिलते। तो वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला जो है कॉस्मिक का क्रायलोन का पैनकेक है, इसे यूज़ करूँगी। अच्छा, ये जो पैनकेक है इसे यूज़ करने के डिफरेंट तरीके हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है मैंने इसे यूज़ करना है और आप देखेंगे कि फाइनली फ़र्क, और मैं इनके शेड नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी इसे यूज़ करने के बाद जो नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है वो है जी कॉस्मिक का पैनकेक। सिंपली इसे भी जो है वाटर की मदद से जो है इसका जो है अच्छे से पेंट कर बना लेंगे इस तरीके से, और ये वाला पेंट जो है मैं यूज़ करूँगी तो आप देख सकते हैं। और साथ साथ जो है हम ब्लेंडिंग भी करते जाएंगे, जैसे ही आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हम ब्लेंडिंग भी जो है साथ में करते जाएंगे। आप स्पंज की मदद से भी कर सकते हैं इस तरीके से, और आप देख सकते हैं किस तरीके से हमें ब्लेंडिंग करनी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये जो ब्लू वाला मैक का पैनकेक है, सिंपली इसे भी आपने इस तरीके से ले लेना है, स्पंज को थोड़ा सा गीला करना है और ये वाला पैनकेक आपको लगा लेना है। और अभी आप देख सकते हैं जी। तो आखिर पर मैं यूज़ करने वाली हूँ मैक का ये जो ब्लैक वाला पैनकेक है, इसे भी आपने इसी तरीके से ले लेना है और आपने लगा लेना है। और मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा जो है बेस्ट वर्क करेगा और किसके रिजल्ट जो है अच्छे। अच्छा, ये जो मैक का पैनकेक है इसकी ओरिजिनल की और फेक की जो है मैंने पहचान भी बताई है कि आप इसकी ओरिजिनल किस तरीके से देख सकते हैं और इसकी फेक किस तरीके से देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको टैपिंग करनी है, और अभी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कौन सा पैनकेक अच्छा वर्क कर रहा है जी। तो व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं टेप को हम रिमूव करेंगे और आप देखेंगे कितने किसकी हाई कवरेज है और किसकी जो है कवरेज आपको अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं आपको शेड नंबर बता देती हूँ कि क्या शेड नंबर है इनके, और मैं आपको बताती हूँ कि क्या वाकई ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं या फिर नहीं जी। तो व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए ये जो क्रायलोन का एक्वा पैनकेक है, तो इसका आप शेड नंबर देख सकते हैं 1W है, जो ब्राइडल के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है ब्राइडल के लिए हैवी कवरेज के लिए। अगर डीवी पेन स्टिक के ऊपर यूज किया जाए तो बड़े ही कमाल के रिजल्ट हैं इसके जी। तो व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए ये कॉस्मिक के पैनकेक की, तो ये इतनी हैवी कवरेज नहीं देता, लेकिन जो पसीना वगैरह है इसे कंट्रोल कर सकता है समर सीजन के लिए, बड़ा ही कमाल का और सुपर डुपर जो है ये पैनकेक है जी। तो व्यूअर्स, अगर बात कर ली जाए ये तीसरे नंबर वाले पैनकेक की, ये जो है एवरी शेड है इसका, और इसे 45 शेड के लिए भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, जिनकी जो है सांवली रंगत है उसे 45 भी यूज़ कर सकते हैं, एवरी भी अपनी स्किन टोन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है ये एक्वा पैनकेक जैसा है, लेकिन जो एक्वा पैनकेक है, जो ये वाला एक्वा पैनकेक हमने यूज़ किया है, इसके बड़े ही अच्छे रिजल्ट हैं, और काफ़ी ज़्यादा पार्लर में और सलोन में ये यूज़ किया जाता है टीवी पेन स्टिक के ऊपर। तो ये जो है कवरेज के लिए यूज किया जाता है एक्वा पैनकेक। और अगर आप सस्ता तरीन पैनकेक लेना चाहते हैं मैक की, जो है आप बेस यूज कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छे रिजल्ट हैं इसकी। ओरिजिनल और फेक के बारे में मैंने बताया है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं कि ये जो मैक का ब्लैक वाला पैनकेक है इसके क्या रिजल्ट हैं, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, सेम इसके जो रिजल्ट हैं ये जो है 36 नंबर है, आप 45 नंबर भी देख सकते हैं, दोनों जो है क्रीमी हैं, इनके अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, ये चारों पैनकेक जो है वायरल हैं, ये आपको हर वीडियो में नजर आएंगे जो भी ब्यूटिशियन काम करती हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।